बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां ईओडब्ल्यू पर गृह विभाग का कंट्रोल ही नहीं है। यूपीपीसीएल में कार्यरत एक और घोटालेबाज को गायब दिखाया गया है। डीएलएफ घोटाले का एक और शातिर अधिकारी राम प्रकाश संपत्ति का मालिक है। डीएलएफ घोटाले में राम प्रकाश की अहम भूमिका भी रही है। राम प्रकाश ने ईओडब्ल्यू की जांच को मैनेज किया था, अधिकारियों को गुमराह कर जांच लगाई गई थी ठिकाने। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले अनिल पांडे को गायब दिखा चुका है ईओडब्ल्यू। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है राम प्रकाश से जुड़ी हुई। राम प्रकाश ने ईओडब्ल्यू की जांच को मैनेज किया था, अधिकारियों को गुमराह कर जांच को ठिकाने लगाया था। साथ ही आपको यह भी जानकारी यहां पर दे दें कि इससे पहले अनिल पांडे को ईओडब्ल्यू गायब दिखा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां गृह विभाग का ईओडब्ल्यू पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। यूपीपीसीएल में कार्यरत एक और घोटालेबाज को गायब दिखाया गया है। राम प्रकाश डीएलएफ घोटाले का एक और शातिर अधिकारी है। साथ ही आपको यह भी जानकारी यहां पर दे दें कि अकूत संपत्ति का मालिक है राम प्रकाश। डीएलएफ घोटाले में राम प्रकाश की अहम भूमिका रह चुकी है।